नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर नया MPEG-4 सेटअप बॉक्स लिया है DD-FreeDIS का, तो उसमें आपको कौन कौन सी सेटिंग मिलती है और कैसे उसको आपको यूज़ करना है। सभी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन सी सेटिंग कहाँ पर कैसे करनी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, तो ये देख सकते हैं जैसे ही आप मीनू के बटन को प्रेस करेंगे तो पहला ऑप्शन आपको आएगा इंस्टॉलेशन का, और उसके बगल में लेफ्ट साइड में होगा सिस्टम सेटिंग, और फिर आपका चैनल एडिट आएगा। तो चैनल एडिट से शुरुआत करते हुए बताते हैं कि चैनल एडिट में आपको मिलते हैं ऑप्शन टीवी चैनल, रेडियो चैनल और डिलीट ऑल का। इसमें आप टीवी चैनल जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रेस 1 करना है डिलीट, 2 मूव, 3 स्किप और 4 लॉक, 5 फेवरेट के लिए। तो इस तरह से आप इन नंबर्स को प्रेस करके जिस चैनल को आपको फेवरेट में डालना है या फिर मूव करना है या फिर डिलीट करना है तो आप इस तरह से मार्क लगा के डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही कर लेंगे तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा, तो ओके करके आप सेव कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस आपकी रेडियो चैनल में भी रहेगी, तो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, तो ये भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा डिलीट ऑल अगर करते हैं आप तो सारे जो सेटिंग्स रहेगी वो आपकी डिलीट हो जाएगी, टीवी और रेडियो चैनल। तो दूसरे ऑप्शन की बात करें अगर, तो सिस्टम सेटिंग है। सिस्टम सेटिंग में आपको टाइम सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। टाइम सेटिंग यहाँ पे ऑटो रहेगा क्योंकि ये हमारे इंडिया का सेटअप बॉक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको इंडिया नेशन जो रहेगा वो आपका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप मैनुअली और ऑटोमेटिक टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम जोन यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक ही रहेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कुछ नेशंस हैं, ये देख सकते हैं लाहौर वगैरह है, यहाँ का बॉक्स नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे टाइम सेटिंग कर सकते हैं। टाइमर सेटिंग की अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट टाइम, इवेंट, चैनल ड्यूरेशन, मोड। तो इस तरह से इतने ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। तो कौन से चैनल आपको स्टार्ट टाइम में अगर आप क्लिक करेंगे तो वो चैनल उतने टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, और इवेंट यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चैनल नंबर डाल देंगे और ड्यूरेशन की कितने मिनट तक आपको वो चैनल ऑन रखना है। तो इस तरह से कुछ ये सेटिंग भी आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज की मिल जाती है, तो मीनू लैंग्वेज आपकी हिंदी, इंग्लिश जो भी होगी आपकी मिल जाएगी। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑडियो की लैंग्वेज मिल जाएगी, सेकंड ऑडियो, सब टाइटल, TTX लैंग्वेज और EPG लैंग्वेज। कुछ इस तरह से आपको ये सेटिंग्स मिल जाती हैं। AV सेटिंग है, AV सेटिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक्सल वगैरह सिलेक्ट करने के लिए है, तो यहाँ पे आपको 1080 पिक्सल और ऑटोमेटिक, यही सब ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे 576 कर दिया हमने, तो जो पिक्चर क्वालिटी है वो एकदम डाउन हो चुकी है, तो हम यहाँ पे वही सेलेक्ट रहने देते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 1080 में ही करके रखा है क्योंकि ये पिक्चर क्वालिटी इसी में सही देता है। इसके अलावा आपको इसमें टीवी रेशियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, आपको कितनी स्क्रीन में कैसा चाहिए। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एस्पेक्ट मोड है यहाँ पे जो कि ऑटोमेटिक है, इसमें भी आपको लेटर बॉक्स, पेन एंड स्कैन और ऑटोमेटिक कुछ ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इस तरह से कुछ आपको ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम स्कोप का भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, चैनल और ग्लोबल दो टाइप के ऑप्शन मिलते हैं, SPDIF करके भी ऑप्शन है एक, और ऑडियो स्क्रिप्टर है जो कि ऑन ही रखना है हमको। तो यहाँ पे हमको सेव नहीं करना है इसलिए हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर तो लॉक कंट्रोल, तो यहाँ पर आपको मेन्यू को लॉक और चैनल लॉक, जो अगर आप बच्चों से चैनल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर चैनल आप लॉक कर सकते हैं, और ये पासवर्ड चेंज का भी ऑप्शन है। इसके बाद OSD सेटिंग है, तो यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंसी है, OSD टाइम आउट है और चैनल स्विच है। तो ट्रांसपेरेंसी में आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड चेंज होता है जितने परसेंट आप रखते हैं, तो हम यहाँ पे 0 ही रख देते हैं। OSD टाइम आउट 3 सेकंड, 5 सेकंड, मीनू का जो टाइम आउट रहता है कि आपका चैनल ओके करने के बाद जो हट जाता है चैनल लिस्ट, उसका है ये, और यहाँ पर चैनल स्विच है। तो इस तरह से आपको इसमें कलर सेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें ब्राइटनेस हमने सब कुछ 50-50% रखा हुआ है क्योंकि 50% में आपको पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे क्रोमा है, बैकग्राउंड देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्रोम कॉस्ट है। तो कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से जो सही लगे आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप
वाईफाई डोंगल या फिर वाईफाई डिवाइस आती है, नेटिस जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू आप इसमें इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं बॉक्स में। तो ये कुछ ऐसा ऑप्शन रहता है जहाँ पे इनवैलिड लिख के आ रहा है स्टेटस में, वहाँ पे आपका आपके डोंगल का या वाईफाई डिवाइस का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से इन सिस्टम सेटिंग में कुछ इतनी सेटिंग आपको मिल जाती हैं। उसके बाद हम बात करें इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉलेशन में आपको एंटीना सेटिंग की ऑप्शन मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने डीडी फ्रीडिस और जो सेटेलाइट हैं वो यहाँ से सेलेक्ट आप कर सकते हैं, जो भी सेटेलाइट रहेंगी। और यहाँ से आप स्टार्ट सर्च भी कर सकते हैं, एनएलबी फ्रिक्वेंसी वगैरह, और ये 22 किलो हर्ज, और ये सब टीपी वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टीपी में आपको कितना सिग्नल मिल रहा है। उसके बाद मोटर सेटिंग आपका आता है, तो इसमें आपका सेटेलाइट टीपी, मोटर टाइप और शेप का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद सेटेलाइट लिस्ट है, तो सेटेलाइट लिस्ट में आने के बाद आपको चैनल ऑटो स्कैन की जो प्रोसेस है और कौन सी सेटेलाइट में आपको चैनल देखने हैं, वही सब ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे हमको डीडी फ्रीडिश का चैनल लिस्ट देखना है या फिर डीडी फ्रीडिश के चैनल देखने हैं, तो यहाँ पे डीडी फ्रीडिश हमने सेलेक्ट कर रखा है। और यहाँ पे आपको अगर सर्च करना है तो ब्लू ऑप्शन आ रहा है आपको, तो मार्क लगा के आप ब्लू में क्लिक करके चैनल्स को सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं टीपी लिस्ट का ऑप्शन है, तो कौन से सेटेलाइट में कितनी टीपियाँ आपको मिलती हैं वो उसी का ये ऑप्शन है। तो इस तरह से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और ये एनएलबी फ्रिक्वेंसी वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करें यूटिलिटी की, तो यहाँ पे आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये बॉक्स इन्फॉर्मेशन है कि इसमें वर्जन कौन सा चल रहा है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वर्जन कौन सा है, हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन है, बिल्ड टाइम है और SN है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फैक्ट्री रिसेट का भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। आप अगर बॉक्स को रीसेट करना चाहें तो ये फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं। बॉक्स में सॉफ्टवेयर अपग्रेड का भी ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं IPTV है, IPTV में VOD और म्यूज़िक का भी ऑप्शन है, वेदर है, यूट्यूब है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन हैं आपके नेट कनेक्ट होने के बाद ही वर्क करेंगे। तो नेट कनेक्ट करने के लिए आपको प्रोसेस हमने बता दी है, वाईफाई डिवाइस या फिर डोंगल के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो मीडिया सेंटर है, मीडिया सेंटर में आपको फाइल्स मिल जाती हैं, तो ये देख सकते हैं प्लीज़ इंसर्ट USB डिवाइस। तो अब जब आप यहाँ पे बॉक्स में अपने पेन ड्राइव या USB डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस लगाएंगे, तो वो सारी फाइल्स जो आपकी पेन ड्राइव में रहेंगी वो आपके बॉक्स में आ जाएंगी। उसके अलावा ये वीडियो भी सारे जो उसमें रहेंगे आपके पेन ड्राइव में वो आ जाएंगे, म्यूज़िक भी आ जाएगा, रिकॉर्ड फाइल्स अगर आपने फाइल रिकॉर्ड करके रखी हुई है आपके डिवाइस में तो वो भी आ जाएगी, PVR मैनेजमेंट है। तो इस तरह से कुछ इतने ऑप्शन आपको MPEG-4 सेटअप बॉक्स में डीडी फ्रीडिस के मिल जाते हैं सेटिंग के। तो आप अपने हिसाब से सारी सेटिंग चेक करके आप अपने हिसाब से सब कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो में यही आपको सेटिंग की इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऐसे लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। तो आपका दिन शुभ रहे और नमस्कार।